6-7 बज रहा था, अभी सोए ही थे और मेरा भाई भी बारी में था। ऑटो वाला को कॉल किया और ऑटो वाला आया उसके पास, अपना गया सब सामान लेकर। सामान लेके गया है सारी, सब जो था मतलब मेकअप मंगाया था ऑनलाइन से मंगाया था इस टाइम में, वो सब लेके गया है। वो मतलब उस लड़का के साथ कहीं बाहर रह रहा है, कल बोल रहा था हम केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, जन्म होश नहीं होगा कभी। अच्छा, सब बोल रहा था मेरे भाई जी को, पहला खुद ही मतलब गलत किए। हाँ। अच्छा, वही आप ही लोगों को? हाँ, हम ही लोगों को बोल रहा था, उल्टा धमकी दे रही है। लोन लेके फिर इसको बोला निकलो घर से, वो तो फेसबुक पे फोटो डाला तब पता चला है। सर वो राम कुमार पासवान से बात करते हैं, भर भर दिन भर भर रात बारी में जाकर गप करता है। हम पूछता है जी आप कौन से गप करता है, तो कहे कि हम देवर जी से बात करता है। प्रेम प्रसंग की मामला दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक ऐसी प्रेम प्रसंग की मामला सामने आई है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आपके घर में लोन दिलाने के लिए आ रहे हैं या कोई आशिक आ रहे हैं। यहां देखने को मिली है जहां एक महिला अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ लोन दिलाने वाले के साथ फरार हो गई है। आपको बता दें कि ये घटना मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के हनुमान नगर गाँव की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरे कृष्ण यादव। अभी उसी महिला घर पर हम आए हैं, उसका पति है जो बाहर में रहते थे, मजदूरी कर रहे थे। और कैसे घटना हुआ और कितने दिन से वो दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और कैसे ये घटना हुआ, तो क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार ठाकुर। भागा है, कैसे भागा है? घर पे बैंक वो लोन वाले आता था मंगल दिन के, वो घर पे लोन लेने आया, लोन उन सारी चीज़ ले लिया। हम अपना तो घर पे रहते नहीं हैं, हम बाहर रहते हैं, तो हम 11 तारीख आए पता चला तब। वो घर पे आके लोन ले लिया और जितना वो आया उससे पहले बात उत हुआ था, इससे सारे चीज़ मिला के रखा था। लोन लेके फिर इसको बोला निकलो घर से, सारे चीज़ लेके गया है, पैसा 3.5 लाख रुपया और गाना गुड़िया पायल मंगलसूत्र नाक मका और काड़ा बोलता है पैर का, वो सब लेके गया है। ये दोनों आदमी भागा है, कैसे पता चला आपको? वो तो फेसबुक पे फोटो डाला तब पता चला हमें। फेसबुक पे कौन फोटो डाला? राम कुमार। घर से मतलब निकला है, बोला कि हम जाते हैं डॉक्टर के पास दरभंगा दवा कराने। एक बच्चा उसका ऑपरेशन हुआ था, तो एक बार ऑपरेशन हुआ तो भाई जी भी आया था, ब्लड सब दिया था। उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ तो सब पैसा था, मेरा पापा दिया था। अच्छा। लोन सब उठाकर हम लोग रखे थे। अच्छा, लोन उठाए थे? कितना लोन? मतलब हम लोग लोन उठाए था 1 लाख लोन था, मतलब ग्रुप में समूह वाला उठाकर रखे थे, जमा कर रहा था मेरे मम्मी पापा मेरे शादी के लिए। आपकी शादी के लिए? तो बोला मतलब शादी नहीं करेंगे अभी से, मतलब उसका ऑपरेशन करवा देते हैं। आपके लिए वो नहीं मतलब चाहती थी? हाँ, जो खुशी? हाँ, नहीं चाहते थे ननद का, मतलब उतना नहीं। हाँ, वो कभी नहीं हमको कुछ नहीं बोलता, कभी नहीं। अच्छा, मतलब कुछ भी हम बोलते हमको गाली देने लगता था ननद का, मतलब कोनो मजूरे नहीं? हाँ, कुछ नहीं हमको कुछ नहीं, कभी नहीं, मतलब दूसरे आदमी सब आता उसको खिलाता पिलाता था आंगन में बैठा का हमेशा। अच्छा, और मेरा कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, कौन है ना उसका कोई फर्क ना गया उस दिन, मतलब हम सोए हुए थे। यानी कि जो राशि आपके शादी के लिए निकाली गई थी? हाँ, उसका मतलब उसके इलाज में दे दिया, बच्चा के इलाज में, दूसरी बार जो ऑपरेशन हुआ ना उसके इलाज में दे दिया। हम मतलब कभी नहीं बोले हम पापा मतलब पैसा नहीं देने के लिए, फिर भी हमको बोल रहा था मेरे बारे में, जो बोल रहा है पैसा नहीं देने के लिए। कौन? मेरा भाभी। ऑपरेशन रूम में मतलब बच्चा को दिया था जी, तो हम कर्ज लेकर भेजते थे यहाँ से, हम मतलब मेरा मम्मी भी नहीं था। अच्छा, तो घास लाने के लिए तो हम गए, पैसा कर्ज लेकर आए, ग्रुप में गए समूह में, वहाँ से लेकर आए पैसा लोन उठाकर। मेरा मम्मी बैंक पे जाता, हम उसके साथ जाते हैं पैसा उठाने के लिए। ये? हाँ, मतलब इतना हम लोग लिए थे 100 है वो। अच्छा, आपका 50 बचा है। हाँ, ये फिर से कितना करके भाग गई है? फिर से उस लोग का लिया है 300 लोन फिर से लेकर गया है, और जो घर में रखा था मेरे साथ गया था, तो पायल सब बनवाया है, हथशंकर से सब इस बीच में बनवाया है, हम गए थे उसके साथ, उसका भी मतलब पैसा बोल रहा है। बनाया, वो बनाया? हाँ, मेरा भाभी अपने लिए। हाँ, अपने लिए बनवाया है फिर से। हाँ, आपके लिए बनाते हैं तो वो एतराज जताती है? मतलब हम बनवाए थे एक बार, मतलब पायल ही बनवाए थे, तो मतलब हमसे मतलब बहुत गाली दिया था, कोई दूसरा आदमी उसको बोल दिया मतलब पायल बनवाया है, तो हमको बहुत गाली दिया, 3 दिन तक भर दिन बैठ के गाली देते थे मेरे पापा। मतलब ननद का नहीं हो? हाँ, बेटा हूँ। आपके लिए भैया मतलब आपको पसंद, मतलब आपके लिए केयर करते? भाई जी मतलब हमको मतलब पैसा सब देना भी चाहता था, मतलब वो देना नहीं चाहता था, वो नहीं देना चाहता था, मतलब उसको देना है नहीं देता था कभी पैसा सब। अच्छा, बोलता है नहीं देंगे, जब वो बोलता हम पैसा देंगे तो उसको गाली सब देने होता, कभी नहीं देता था। मतलब बहन को नहीं देखो, खाली हमरे सब अथी करो। और मेरा छोटा भाई है, हमसे बड़ा है जी,
तो उसको भी मैं मतलब कभी नहीं देखने दिया। यानी दोनों भाई को एक तरफ कर लिया। हाँ, एक तरफ कर लिया। वो पढ़ रहा था, इंटर का एग्जाम भी नहीं देने दिया। अच्छा, उसको उस तरफ कर लिया। हम नमाम थे तभी से बोल रहा था शादी करने। मेरा पापा बोला हम अभी शादी नहीं करेंगे। हाँ। कोई भी नहीं पढ़ा उसको पढ़ा देते हैं। तो ये लास्ट दिन जो है ये उसको जाते टाइम देखे थे आप भाभी को? नहीं, हम सोए थे सुबह में, मतलब सोए ही थे, 6:30-7 बजे रहा था, सोए ही थे। और मेरा भाभी बारी में था, बर्तन धो रहा था, मेरा मम्मी। वो ऑटो वाला का कॉल किया और ऑटो वाला आया उसके पास, अपना गया, सब सामान लेके चला। सामान लेके गया है, मतलब वो बैग लेके आया था। बैग में मतलब हम घर में चेक किए हैं तो साड़ी सब जो था, मतलब मेकअप मंगाया था, ऑनलाइन से मंगाया था इस टाइम में, वो सब लेके गए हैं। सब सारा कुछ? हाँ, सब लेके गए। हम पूरा चेक किए हैं घर में, सब लेके गए हैं। यानी कि पूरा प्लानिंग करके भागी है वो। हाँ। कितना क्या लग रहा है आपको, मतलब ये कहाँ गई होगी, किस जगह गई होगी, किसी रिलेटिव के यहाँ या ऐसा कुछ लग रहा है आपको, कहाँ जो गई? नहीं, वो मतलब उस लड़का के साथ कहीं बाहर रह रहा है, कोई दूसरा स्टेट चला गई है। कोई रिलेशन में नहीं गया है? नहीं। अच्छा, कोई फोन किया है उस दिन के बाद से कभी? हमारे पास कभी कॉल नहीं किया है। अच्छा, आप कह रहे थे आपको गाली वाली देती है फोन पे, किसको दे रही थी? नहीं, मेरे हमको नहीं गाली दे रहा था तो? फोन पे हमको नहीं, मेरे भाई के पास कॉल किया था। हाँ, तो वो क्या बोल रही थी? बोल रहा था सब बारे में, सब कुछ के बारे में बोल रहा था, हम ऐसे है वैसे है, ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी भी? हाँ। अच्छा, क्या चाहते हैं भाई के साथ जो है ये अन्याय हुआ है, क्या कहेंगे इस पे, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जो मतलब दोनों भतीजा है मेरा वो वापस। क्या क्या नाम है दोनों का? अमन उपजीत। अमन और अमन का 2 बार ऑपरेशन हुआ है, उसको मेरा भाई ब्लड भी दिया था पहले बार में, और उसको भी लेकर चला गया। हाँ, हम लोग चाहते हैं वो दोनों बच्चा आ जाए। राम कुमार। हाँ जी। कौन सी कंपनी से लोन था वो? फुलप्रास में कौन सा कंपनी है? भारत फाइनेंस कंपनी से। हाँ जी। तो क्या उस कंपनी में गए तो क्या कहा आपको? उस कंपनी में गए उस दिन तो उससे मांगे सारे प्रूफ इसका, तो प्रूफ हमें एक आधार कार्ड दिया, उस पर फ्रेश फोटो भी नहीं आ रहा है, और लिख के दिया उसके गांव का नाम और इसके पापा का नाम और सारी चीज़ लिख के दिया। बोला हम भी उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया है, थाना में जाकर एप्लीकेशन दे दिए हैं। आप कार्रवाई किए हैं अभी के? नहीं, हम तो किए हैं। क्या प्रशासन क्या कहा? प्रशासन कल घर पर इंक्वायरी के लिए आए थे, इंक्वायरी लेके गया बात, फिर राम कुमार का नंबर मांगा, जो नंबर चालू है वो नंबर उसको दिए, बात करते करते फिर वो चला गया, उससे आगे कोई बात नहीं किया। पैसा उठा के सब लोन में से भागा है। सब लोन में से पैसा उठा लिया है, फरार हो गया। इन लोन में से पैसा उठाया है, उसके साथ में फरार हो गया। हाँ जी, सब लोन हमारा खत्म होने वाला था, किसी में 5 भरना है, किसी में 6 भरना है, ऐसे ही था, सब खत्म होने वाला था, सब में से उठाया फिर भागा। क्या तलाक आपको दिए कि नहीं? तलाक उलाक कुछ नहीं दिए। तलाक नहीं दिए? नहीं जी, उससे पहले भाग गया। हाँ जी। क्या लड़के के फैमिली के घर पर गए थे आप लोग? नहीं, हम नहीं गए, हमें पता नहीं है कहाँ पे है इसके घर। हाँ। सिर्फ नाम बताया है। हाँ। जो बासोपट्टी है, कटैया थाना। हाँ। वहाँ इसका घर है, हम गए नहीं अभी तक। हाँ। क्या उस बच्चे को रखिएगा कि नहीं, उस महिला को आप रखिएगा कि नहीं आएगा तो? बच्चे के रखेंगे। हाँ। जो हमारा संपत्ति ले गया वो संपत्ति दे जाओ। अगर वो महिला रहेगा तो महिला रखने के लिए सारे प्रूफ सब चीज बनेगा, कागज पत्तर। ये तो बाला फुसला के ले गया, तो हम इतना चाहते हैं जो थाना पे सब बात किए हैं तो वो आ जाए घर तो रखेंगे हम फिर। पूरा जानकारी इसको मालूम होगा कैसे घटना हुआ। चाची, आपका पुतौ चला गया दूसरे आदमी के, जो लोन देने के लिए आए थे उसके साथ में भाग गए, कैसे पता चला आप लोगों को? आप पता चले यही जो लोन वाला आया ना, तो लोन खोजने के लिए आया, तब हम लोग का पता चला जी भाग गया लोन वाला, कहा हमरो पैल का भाग गया है। तो हम कहे से हमर पुतो हुआ तो गेल है दरभंगा, तो वो सब कहे से नहीं भाग गया लड़का जा रहा था, वो सब मिलल बा सब सब पहले। हाँ, उससे पहले सुबह में वो लड़का आए थे लोन लेने, पैसा लेने के यहाँ पर? हाँ हाँ, आयल रहे तब गेल छे, ओकरा जरे मिलल है लोन भरने है, पना फाड़ के से टा मस गेल है लड़को लड़का। हाँ, वह से किस लड़का भागल है। तो पैसा लेने के लिए आए थे घर पर, तो कैसे बात करते थे उसमें आपके पुतो से? लड़का आप कैसे बात करते नहीं है लोन में, आप ककड़ा से बात करते नहीं है? से वो राम कुमार पासवान से बात करते हैं। लड़का का नाम राम कुमार पासवान है? पासवान है। तो ओकरे से बात कर रही है भर भर दिन, भर भर रात बाड़ी में जाकर गप करता है। हम पूछता है जो आप कौन से गप करता है, तो कहे कि हम देवर जी से बात करता है, और वो बात करता है राम कुमार पासवान से। पहले से बात करते थे घर? हाँ, 1-1.5 महीना पहले से। हाँ। लोन बात कब उठाया था, कितने दिन पहले? लोन तो बहुत दिन से, बुआ जो अथी घर बन लिए तब से 3 साल से, 3 साल से लोन उठ रही, घर बन लिए तब तो बुआ डेट भ गई कहीं,
तो वही में और लोन तोन उठा गए एक्सीडेंट भ गए तो वही में पैत उठोलक तो ऑपरेशन भेल तकर बाद कहे हमरा कर्जा बर्जा भ गए फेनो लोन सधे वाला छे फेरो उठा के भेज।